उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 शौरतगढ़ बढ़नी मार्ग पर हलौरा टोल प्लाजा के समीप रविवार को चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित वाहन पहले डिवाइडर से और बाद में पेड़ से टकरा गई। जिसके कारण मौके पर ही आकाश कसौधन की मौत हो गई। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं सड़क दुर्घटना में शौरतगढ़ निवासी 20 वर्षीय आकाश कुमार कसौधन पुत्र भगवती कसौधन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आकाश कुमार कसौधन के साथ शौरतगढ़ कस्बा निवासी सुजीत तिवारी पुत्र राजू व मनीष पुत्र अमरनाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक युवक सामान्य रूप से घायल है। वहीं घायलों के उपचार में स्वास्थ्य टीम जुटी हुई है। शौरतगढ़ पुलिस ने मृतक युवक का शव को पोस्टमार्टम हाउस सिद्धार्थनगर भेज दिया। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 730 शौरतगढ़ बढ़नी मार्ग पर हलौरा टोल प्लाजा के समीप रविवार को चार पहिया वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि अनियंत्रित वाहन पहले डिवाइडर से और बाद में पेड़ से टकरा गई। जिसके कारण मौके पर ही आकाश कसौधन की मौत हो गई। घटना सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं सड़क दुर्घटना में शौरतगढ़ निवासी 20 वर्षीय आकाश कुमार कसौधन पुत्र भगवती कसौधन की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आकाश कुमार कसौधन के साथ शौरतगढ़ कस्बा निवासी सुजीत तिवारी पुत्र राजू व मनीष पुत्र अमरनाथ तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और एक युवक सामान्य रूप से घायल है। वहीं घायलों के उपचार में स्वास्थ्य टीम जुटी हुई है। शौरतगढ़ पुलिस ने मृतक युवक का शव को पोस्टमार्टम हाउस सिद्धार्थनगर भेज दिया।